जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बताएंगे कि वर्ल्ड वॉर वन क्या था, कहां लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, इस सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर वन, जिसको प्रथम विश्व युद्ध या द ग्रेट वॉर उस समय बोला जाता था, वो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ा गया था। और यह युद्ध में एलाइड पावर और सेंट्रल पावर ने भाग लिया था। एलाइड पावर में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रूस, अमेरिका, जापान, इटली भी 1915 में एलाइड पावर में शामिल हो गया था। उसके बाद में सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गेरिया, ओटोमन साम्राज्य बुल्गेरिया ये सब देश आता था। अब यह युद्ध स्टार्ट क्यों हुआ था, यह युद्ध शुरू क्यों हुआ था, तो सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा इसको समझने के लिए समय में पीछे। तो चलिए हम चलते हैं समय में पीछे। तो लगभग 1800 के आसपास में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश फ्रांस था। 1800 के आसपास में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश फ्रांस था। ऐसा कहा जाता था कि फ्रांस अगर जो छींकता है तो पूरा यूरोप को सर्दी हो जाता है। हालांकि ये हम यूरोप का मैप बनाए हैं, इसमें यूरोप महादेश का सारा देश नहीं है। अब अगर जो हम किसी गांव में जाएं तो वहां पे हमको पूरा गांव से परिचित होने की जरूरत नहीं है। अगर जो 10 आदमी जो गांव में मेन फॉर्म में रहता है उससे हमको जान पहचान है तो उस गांव में दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए उस समय जो जो यहां पे मेन मेन देश था उस सब देश का हम यहां पे नाम लिख दिए, जैसे फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गेरिया, ओटोमन एम्पायर और रशिया, ये सब देश उस समय मेन था। तो उस समय कहा जाता था कि फ्रांस को अगर जो सर्दी हो जाए तो पूरा यूरोप छींकता था। इसका मतलब ये था कि जो फ्रांस में होगा वो पूरा यूरोप में होगा। अगर जो फ्रांस में राजा पिटाया तो दूसरा देश में राजा कब पिटा जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसके बाद 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ। सेडोन का युद्ध फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ। और जर्मनी में उस समय जर्मनी का चांसलर जो था उसका नाम था बिस्मार्क। और बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। इसका मतलब उसका कहना था कि सब आदमी लोहा को पीजा लो और अगर जो जब जरूरत हो तो उसको खून से भेंट करा देना, अपने शक्तिशाली हो जाएगा। इतना खतरनाक आदमी था। उसी ने जर्मन को 1870 में सेडोन का युद्ध जितवाया था। और सेडोन का युद्ध जीतने के बाद फ्रांस का एक क्षेत्र था यहाँ पे जिसका नाम था अल्सेस लॉरेंस को जर्मनी ने जबरदस्ती कब्जा लिया, जबरदस्ती सेना भेज के कब्जा कर लिया, ये मेरा है लाओ। तो इस समय फ्रांस को बड़ा गुस्सा आया, यार क्षेत्र था मेरा और ये खींच लिया जर्मनी और जबरदस्ती वो बोल रहा है मेरा है, तो बड़ा गुस्सा आया। ऐसे ही उबल रहा था। उसके बाद ये जर्मनी बड़ा तेज था। इसने इटली, ऑस्ट्रिया के साथ मिलके एगो संधि कर लिया जिसको ट्रिपल अलायंस कहते हैं। और ये बोल दिया कि अगर जो हम लोग में से किसी एक को मारेगा तो हम लोग तीनों मिल के लड़ेंगे। इसको त्रिगुट कहते हैं हिंदी में, त्रिगुट, ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल था। इसका कहना था कि अगर जो हमको कोई मारेगा तो हम लोग तीनों मिल के लड़ेंगे। इसलिए अब फ्रांस को टेंशन होने लगा कि वो तीन गो मिल गया है, अब हम लोग को भी कोई ना कोई संधि बनाना पड़ेगा। तब फ्रांस ने ट्रिपल एंटायर बनाया, त्रिदेशीय संधि, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस था। जिसमें इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड इसी को बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, हम किसी वीडियो में बता देंगे। तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रूस, ये तीनों मिलके त्रिदेशीय संधि बनाया, त्रिगुट संधि बनाया और ये त्रिदेशीय संधि बनाया। इसका कहना था कि अगर जो कोई मारने के लिए आएगा तो हम तीनों मिल के लड़ेंगे। उसके जवाब में नहले पे दहला फ्रांस दे दिया। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस था, अभी है, ये तीनों मिल के एगो संधि बना लिया, ट्रिपल एंटायर। अब उसके बाद हुआ क्या, ऐसे भी फ्रांस का अल्सेस लॉरेंस का क्षेत्र जो जर्मनी खींचा था तो फ्रांस ऐसे भी उबल रहा था। एक
इसको एक मौका का मौका चाहिए था कि कैसे करके एक मौका मिले कि हम शुरू हो जाए लड़ने के लिए। सबको एक मौका चाहिए था, सबको फ्रांस को एक मौका चाहिए था लड़ने के लिए। इसमें हुआ क्या, इधर टक्कर चल रहा था इधर, लेकिन शुरू हो गया कहीं और से। शुरू कहाँ से हुआ, तो ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था, यहाँ पे जो देश है ऑस्ट्रिया, इसका एक राजकुमार था, ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार जिसका नाम था आर्कटिक फ्रांसिस फोर्डिनेंड। आर्कटिक फ्रांसिस फोर्डिनेंड 28 जून 1914 को उसको बोस्निया की राजधानी सेरालेवा में सर्बिया का कोई आदमी उसको हत्या कर दिया। उसका मानना था कि बोस्निया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार नहीं रहे, बोस्निया पर किसका अधिकार रहे, सर्बिया का अधिकार रहे। इसीलिए सर्बिया द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कटिक फ्रांसिस फोर्डिनेंड को बोस्निया की राजधानी सेरालेवा में 28 जून 1914 को हत्या कर दिया। अब मार तो दिया, और यहाँ ऑस्ट्रिया को पता चल गया कि मारने वाला देश कोई और नहीं है, वो मारने वाला देश का नाम है सर्बिया। तो ऑस्ट्रिया इसको धमकाया कि मारने वाला को दो, इतना करोड़ रुपया दो, तब तो ठीक है, नहीं तो तुम समझ लेना तुम्हारा क्या हाल करेंगे, हम तुमको ठीक कर देंगे। मारने वाला को दो और इतना करोड़ रुपया दो। अब सर्बिया का हाथ पैर फूलने लगा कि अब करे क्या। जब इसका हाथ पैर फूलने लगा तो इसको रूस पीठ ठोक रहा है कि बच्चू डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सर्बिया बोला है आप हमारे साथ हैं, वो तो तीन गो है, वो जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटली तीनों मिला है, अगर जो आप किसी को मारिएगा तो ये तीनों मिल के लड़ेगा। वो बोला वो तीन गो है तो हम भी तो तीन गो हैं, हम भी तो तीन गो हैं। वो बोला वो तीन गो है तो हम भी तीन गो हैं, फरिया लेंगे, टेंशन मत लो। अब सर्बिया फॉर्म में है कि अब क्या टेंशन, रूस मेरे साथ में है, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस मेरे साथ में है। और इस समय रूस का जो राजा था उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय उस समय रूस का राजा हुआ करता था। और यह राजा जो था यह अयोग्य था, अयोग्य मतलब राजा बनने के लायक नहीं था, फिर भी ये राजा बन गया था, किसी किसी कारण से अयोग्य राजा था। अब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक महीना का टाइम दिया, एक महीना का ऑस्ट्रिया सर्बिया को टाइम दिया कि एक महीना में तू पैसा भी दो और मारने वाला को दो, तब तो ठीक है, नहीं तो हम तुमको ठीक कर देंगे। ये बोला पैसा वैसा एक भी पैसा तुमको नहीं देंगे, रूस मेरे साथ है, बोला कुछ नहीं सुनेंगे। और 28 जून के बाद जैसे ही 28 जुलाई आया तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। जैसे ऑस्ट्रिया सर्बिया पर हमला किया, ये सर्बिया है, जैसे ऑस्ट्रिया सर्बिया पे हमला किया तो सर्बिया चिल्लाया रूस से कि बचाइए, सर्बिया रूस से चिल्लाया कि बचाइए। अब रूस बोल रहा है कि भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तुम्हारे फेर में नहीं पड़ेंगे, खड़े धोखा दे दिया, बोल रहा है तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हम तुम्हारे फेर में नहीं पड़ेंगे। और धीरे धीरे ऑस्ट्रिया ने पूरा सर्बिया को जीत लिया। ऑस्ट्रिया जैसे पूरा सर्बिया को जीत लिया तो फ्रांस पेपर में बोल रहा है, उसमें पेपर था, मोबाइल वोबाइल तो था नहीं, फ्रांस पेपर में छाप रहा है कि ऑस्ट्रिया वो मेरा रशिया दोस्त है, उसका दोस्त है ये सर्बिया, तुम उसको मारा, वहां से हटो नहीं तो हम हमला कर देंगे, वहां से हटो नहीं तो हम हमला कर देंगे। अब जर्मनी बोल रहा है फ्रांस को, मेरा दोस्त को हरकाता है, और जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस पर हमला कर दिया। अब देखो पहले क्या हुआ था, पहले ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला करके पूरा जीत लिया, तो फ्रांस इसको ऑस्ट्रिया को धमकाया कि मेरा दोस्त का दोस्त है, हटो नहीं तो हम गर्दा छुरा देंगे तुम्हारा। तब जर्मन बोल रहा है जर्मनी कि मेरे दोस्त को भड़काता है तो मारो इसको, और सब सेना लेके फ्रांस पे जर्मनी युद्ध करने के लिए चल दिया। और धीरे धीरे करके जब जर्मन सेना फ्रांस के राजधानी पेरिस से मात्र 20 किलोमीटर दूर थी, अगला दिन ये तय था कि फ्रांस जीत लिया जाएगा, तब फ्रांस चिल्ला रहा है यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड को और रूस को, बचाओ यार
तब इधर से रूस बोला कि जर्मन पर हमला करो। अब रसिया ने सर्बिया का साथ क्यों नहीं दिया था? रसिया ने सर्बिया का साथ इसलिए नहीं दिया था कि 1904-5 में इसको जापान जैसा छोटका देश हरा चुका था। ये डर हो रहा था कि अगर जो अब की बार भिरे तो कहीं गर्दा छूट गया मेरा तो फिर दिक्कत है। अब जब पेरिस से 20 किलोमीटर दूर पे जर्मन सैनिक था, अगला दिन पूरा जब फ्रांस जीत लिया जाता तब ये रसिया बोल रहा है इधर से हमला करो। तब जर्मनी पर रसिया का सैनिक ने इधर से जैसे हमला किया तो अब जर्मनी बोल रहा है ओ आ गया रूस। इसको तो 1904-5 में जापान जैसा छोटका देश हराया है, तू हमसे भिड़ने आया है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया? अब दो गो बढ़िया आदमी लड़ रहा है, उसमें कमजोर आदमी किसी का पार्ट ले ले तो बढ़िया बढ़िया को छोड़ के पहले कमजोर के को सरियाता है। तो वही किया यहाँ भी, फ्रांस और जर्मन में युद्ध हो रहा है, रूस फ्रांस का साथ ले लिया। अब जर्मन बोल रहा है कि जितना सेना फ्रांस में है इधर से हटो, पहले इसको रूस को सरियाओ, इसको सरियाओ, तब देखा जाएगा कि इसका हिम्मत कैसे हुआ। 1904-5 में जापान इसको हरा दिया है, आई हमसे भिड़ने आया है। अब धीरे धीरे ऐसे करते करते जर्मन सेना जब आगे बढ़ रही थी तो लगभग 100,000 रूसी सैनिक को मार दिया गया। 100,000 रूसी सैनिक का जब हत्या होने लगा तो रूस में गृह युद्ध छिड़ गया। तब रूस में इजार निकोलस को साफ करके वहां से एगो नया आदमी हेड बना, लेनिन हेड बना। और लेनिन जर्मनी के साथ वेस्ट लिबोस्ट का संधि किया और बोला कि आपको अगर जो फरियाना है तो जाइए फ्रांस और इंग्लैंड से फरियाइए, हम इसमें नहीं रहेंगे। और 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से रूस गया अलग हो गया 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से रूस गया। अब स्थितियां बड़ा मजेदार है, इंग्लैंड और फ्रांस को जर्मन आसानी से हरा देगा। तो अब उधर अमेरिका जो है वो डायरेक्ट युद्ध में भाग नहीं ले रहा है, वो डायरेक्ट युद्ध में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन अंदरे अंदर यूनाइटेड किंगडम को और फ्रांस को हथियार दे रहा है कि इस सब से मारो तो मरेगा। आप जर्मन सेना जैसे ही फ्रांस को जीते और देखे कि मेड इन अमेरिका हथियार, तो बोला ओ अमेरिका भी लगा हुआ है। तो जर्मन पनडुब्बी अमेरिका के पास जाके बोला कि जितना अमेरिका लिखा हुआ जहाज है उसको डुबा दो। आप जर्मन पनडुब्बी अमेरिका लिखल जो भी पैसेंजर भी जहाज है जिसका कोई दोष नहीं है, निर्दोष आदमी बैठा हुआ उसमें, सबको डुबाना स्टार्ट कर दिया। आप पेपर में आने लगा कि जर्मन ने अमेरिका के एक पैसेंजर जहाज को डुबा दिया जिसमें 1,000 आदमी की मौत हो गई। अब किसी देश का 1,000 आदमी का मौत हो जाना उस देश के लिए शोक का माहौल है। अब अमेरिका बोलने लगा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हम भी प्रत्यक्ष रूप में युद्ध में भाग लेंगे। और तब अमेरिका भी युद्ध में भाग लिया तो फ्रांस के साथ मिलकर, यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर इस जर्मन पे चढ़ाई शुरू कर दिया। और बात 1915 की है, 1915 में क्या हुआ था कि इटली ये ट्रिपल अलायंस से अलग हो गया, अलग होके ये एलाइड पावर में जुट गया। इटली 1915 में अलग होके एलाइड पावर में जुट गया। और कारण क्या दिया, ये बोला कि हम सिर्फ डिफेंस करने के लिए ये गुट बनाए थे, अटैक करने के लिए नहीं। ये बोला हम डिफेंस करने के लिए, सिर्फ हम पे अगर जो हमला होगा तो उसको रोकने के लिए, कहीं मेरे ऊपर हमला हो जाए तो उसको रोकने के लिए हम तुम लोग का साथ मांगना चाहते थे। ये नहीं जो तुम लोग किसी पे अगर जो चढ़ाई करेगा तो हम भी भिड़ जाएंगे उसमें, ये नहीं करेंगे हम। ये बुझ रहा था इटली कि शक्तिशाली कौन है और जीतेगा कौन, इसीलिए ये इसको छोड़ के, सेंट्रल पावर को छोड़ के 1915 में एलाइड पावर में घुस गया। और जब जर्मन ने अमेरिका के जहाज को डुबाया तो 1917 में अमेरिका बोला कि ऐसे नहीं होगा, अब हम भी युद्ध में भाग लेंगे। और 1917 में अमेरिका भी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग ले लिया। अब जैसे अमेरिका युद्ध में भाग लिया तो उसने
ऑस्ट्रिया हंगरी को और ओटोमन साम्राज्य को मार मार के ठीक कर दिया और ये दोनों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया कि सरेंडर करो नहीं तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों बेचारा 1918 में डर से सरेंडर कर दिया। अब जैसे ये दोनों डर से ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर, इसका मुख्यालय तुर्की, इसमें ओटोमन एम्पायर का जो मेन देश था तुर्की कहते हैं, यही जब तुर्की ज्यादा फैफ करता था तो ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की को अमेरिका ने शांत किया। उसके बाद जर्मन अकेला पड़ गया, इधर से यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, अमेरिका है, इधर अकेला देश एगो है जर्मन, फिर भी ये हार नहीं मान रहा है। इसलिए तीनों मिल के ये जर्मन को जब हरा दिया, तीनों मिल के जब जर्मन पे चढ़ाई किया और जर्मन को जब हरा दिया तो जर्मन में उस समय विलियम कैसर का शासन था, विलियम कैसर का शासन था कैसर, और विलियम कैसर को हारने के बाद गद्दी छोड़ना पड़ा और यहाँ पे नयका जो राजा बना उसने आत्मसमर्पण के पेपर पे हस्ताक्षर कर दिया कि हम यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, अब हमको क्षमता नहीं है। और वह कब हुआ था, 11 नवंबर 1918 को यहाँ पे जो नया राजा बना था वह यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण पे हस्ताक्षर कर दिया। अब अमेरिका भी ऐसे मानने वाला नहीं है, ये बड़ा तेज है, ये बोल रहा है कि ऐसे होगा, हम जो तुमसे झगड़ा किए तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसीलिए तुम्हारे फैक्ट्री उक्ट्री में जितना सामान है वो सब हम लेके जाएंगे, तब असूल वसूल होगा, ऐसे नहीं होगा। अब गांव में जब दो आदमी झगड़ा करता है और कंप्रोमाइज होता है तो बाद में क्या होता है, हाँ कंप्रोमाइज हो जाएगा लेकिन सर फूटा है तो डॉक्टर का पैसा, पट्टी में जो पैसा लगा है, दवा में जो पैसा लगा है वो सब पैसा देगा तब कंप्रोमाइज होगा। वही अमेरिका बोल रहा है ई जर्मनी को, अमेरिका जर्मनी को बोल रहा है कि तुम्हारे फैक्ट्री में जितने सामान है तब सब ले जाएंगे, तब असूल वसूल होगा। अब फ्रांस भी चिल्ला रहा है, मेरा भी बहुत नुकसान हुआ है, तो अमेरिका फ्रांस को बोल रहा है तुम बगले में न हो, बगल में हो, जबरदस्ती इससे 28 जून 1919 में एक संधि करवाया जिसको वर्साय की संधि कहते हैं, जिसको वर्साय की संधि कहते हैं। 28 जून 1919 को अमेरिका, फ्रांस और जर्मन में एक संधि हो रहा है, वर्साय का संधि, और यह अमेरिका के माध्यम से हुआ, अमेरिकी मैन था इसमें करवाने वाला, और फ्रांस और जर्मन के बीच वर्साय का संधि हो रहा है। अब वर्साय की संधि में लिखा रहा है कि जर्मन में जितना भी कोयला का खान है, लोहा का खान है, उस पर 15 साल तक फ्रांस का कब्जा होगा। अमेरिका इसको बोला कि वहां पे जितना भी लोहा का खान है, कोयला का खान है, 15 साल तक तुम ढो लो तब तो सोलमोल हो जाएगा ना जी। ये बोला हाँ 15 साल अगर जो ढो लेंगे तब सोलमोल हो जाएगा। अब यहाँ पे और एगो बात, इसका जो अल्सेस लॉरेंस का ये क्षेत्र घींच लिया था अपने में, ये फ्रांस फिर से उस क्षेत्र अपना में मिला लिया, फ्रांस फिर से उस क्षेत्र क्या किया, अपना में मिला लिया, और यहाँ पे एगो क्षेत्र को नौ सैनिक जोन बना दिया कि यहाँ पे कोई सेना नहीं रहेगा, और इस क्षेत्र का नाम है राइनलैंड, इस क्षेत्र का नाम था उस समय राइनलैंड, राइनलैंड में कोई सेना नहीं रहता था। और वर्साय के संधि के बाद उसके बाद इंग्लैंड पे काफी प्रतिबंध लगा दिया और इसको बोल दिया कि सिर्फ 1 लाख का सेना रहेगा, सिर्फ तुम्हारे देश में चोरी होगा तो चोरी को रोकने के लिए युद्ध उद में सेना उना नहीं रहेगा। उसके बाद में नौसेना को खत्म कर दिया, बोला कि नौसेना का क्या जरूरत है, नौसेना मतलब समुद्र में जो सेना रहता है सब जहाज वहाज पर, उसी को नौसेना बोलते हैं, तो नौसेना को खत्म कर दिया। कि उधर 1000 आदमी को मारा था, पेपर वाला बोल रहा था कि अमेरिका के 1000 आदमी को मार दिया, अब तुम्हारा नौसेना ही नहीं रहेगा, तो नौसेना को नष्ट कर दिया। और ये वर्साय की संधि एक शर्मनाक संधि थी। अब बताओ अगर जो भारत, अब भारत में कोई कोयला का खान है और भारत पाकिस्तान में एक संधि हो जाए, कोई संधि जिससे पाकिस्तान, भारत में जितना भी कोयला का खान है सब पाकिस्तान लिखा हुआ गाड़ी से पाकिस्तान लेके जाए, तो भारत वाला आदमी का कितना खून खोलेगा,
तो यही हुआ था, यहाँ जर्मन का आदमी का ऐसे भी उबल रहा था, लेकिन कर भी क्या सकता था कि इसको तो सरेंडर करवा दिया था अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड तीनों मिलके। और इसी के बाद प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। और ये वर्साय की जो संधि थी, ये द्वितीय विश्व युद्ध का बीज था, बीज। चलो, ये वर्षाय की संधि के बाद द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कौन किया था, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। तो चलिए, ये वीडियो यही खत्म करते हैं। जय हिंद।